सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉगिंग के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल दें कि हम जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कितना पैसा जो है हमें उसमें लगाना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं यही विषय पे जो है कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें दोस्तों। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं ब्लॉगिंग के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस विषय में और बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इस विषय में कि आपको किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है या जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। मैं आज क्या लाइट नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ा सीडियो में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक सी चीज है जो एक बार लग जाती है लत ना, वो फिर छूटती नहीं है, तो इसीलिए सीडियो में बैठ के यहाँ पे रोशनी आ रही थी तो ये सोचा यहीं पे बना दूँ। बात कर लेते हैं हमारी ब्लॉगिंग की। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वाह, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किस विषय पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। व्लॉगिंग अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो दूसरी भाषा क्या, दूसरी तरह से मैं आपको समझाऊं तो व्लॉगिंग का कहने का मतलब जैसे कि हम बुक्स लेते हैं, चाहे वो स्कूल की हो या कोई भी कॉमिक्स वगैरह हो, तो यहाँ पे जो हमें उसके अंदर पेजेस पे जो लिखा होता है तो वो किसी ने लिखा है। तो अगर उसी चीज को डिजिटल लैंग्वेज में अगर आप आर्टिकल लिखो बुक ना पब्लिश करके, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिख दिया, तो उसको जो है ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, 1 रुपए की भी जो है खर्चा नहीं करना है। कारण, क्योंकि यहाँ पे जो है blogspot.com की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी थीम्स वहां पे अवेलेबल हैं जो कि SEO फ्रेंडली भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको जो है, अगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वहां पे हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा यार, और बहुत जल्दी मिलेगा। बस आपको कंटेंट एक व्यवस्थित तरीके से एक अच्छे लेआउट्स में हो और एक प्रोफेशनल वे में वहां पे सिर्फ आर्टिकल्स लिखने हैं। आपको ये नहीं करना कि कहीं से पूरा कॉपी उठाया और यहाँ पे पूरा चिपका दिया, ऐसा नहीं करना है। कि ऐसा क्यों नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हेल्प नहीं लेनी है, हेल्प लीजिए। आप कहीं से कुछ आपको अच्छा लगता है उस आर्टिकल से रिलेटेड तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका खुद का कंटेंट भी वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि गूगल एक, आज पहले तो चलो सिर्फ क्रॉलिंग सिस्टम्स थे, लेकिन आज की डेट में जो है इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, मशीन लर्निंग लैंग्वेज वगैरह आ चुकी हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको इसका सर्चिंग की, तो यहाँ पे जो है अगर आप खुद के आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो और बहुत ही अच्छे सिस्टम में तरीके से लिखते हो, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको जो है बहुत ही आसानी से जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से अप्रूवल ब्लॉगस्पॉट पे मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बात आती है SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन की। तो बैकलिंक्स वगैरह के उसमें अगर मैं पहले बोलूं स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं मालूम है ज्यादा तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस अपना काम करते चलो, क्योंकि गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। गूगल जो है वैसे ही जितनी भी वेबसाइट हैं, डोमेन्स रजिस्टर्ड होते हैं, सभी को क्रॉलिंग जो है करते रहते हैं। क्योंकि पहले जो होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनुअल सबमिशन करना चाहिए, मैं भी बोलता हूं मैनुअल सबमिशन करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें जितने भी सर्च इंजिन हैं वो किसी भी मैनुअल सबमिशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि खुद ही वो हर चीज को जो है क्रॉलिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका SEO पार्ट जो है वो आपको सबसे लास्ट में ध्यान देना है कि SEO पे क्या करना है। आप तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाओ और उन आर्टिकल्स के लिंक जितना भी आपके खुद के सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है आपका, फिर इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जो भी है वहां पे शेयर करो, तो डेफिनेटली आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक वहां से आना स्टार्ट होगा तो गूगल जो है आपका खुद ही आकर आपके उस आर्टिकल पे
चेक करेगा, चेक करके उसको रैंकिंग करवा देगा। तो एसईओ पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है तो सबसे पहले आपके खुद के आर्टिकल के ऊपर। फिर रही बात इसके बाद हमारी अर्निंग की, तो अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग तो दोस्तों इतनी हो जाती है, अगर आप ट्रैफिक ला सकते हैं आपके आपके ब्लॉग पे तो ट्रैफिक का तो पूछो मत, क्योंकि एक आदमी को अगर पहला, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्टिकल करने क्या है, बहुत इतने सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके में बहुत ही सरल लैंग्वेज में क्यों लिखने हैं, उसका कारण है। एक बात तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई नया विजिटर आपके वेबसाइट पे आता है और वो जो है अगर उसको वहां पे आर्टिकल अच्छा मिलता है, यूजफुल मिलता है, तो डेफिनेटली वो बार बार रिपीट करेगा। तो जितनी बार वो आएगा उतना आपका ही बेनिफिट होने वाला है। सो इसीलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सिस्टमेटिक जो है आर्टिकल्स लिखें। इनकम की अगर बात करें तो एडसेंस बहुत ही जल्द आपका अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है आपको एडसेंस अप्लाई करने का टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपके अगर 20-25 आर्टिकल आपने लिख दिए और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखे और कुछ ट्रैफिक आ रहा है, तो उसके बाद जो है आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके अगर आर्टिकल्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं लिखे हैं तो आपको जो है कई बार तो 2 दिन के अंदर भी आपको अप्रूवल मिल जाता, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है आपने तो ये विद इन मंथ जो है आपका अप्रूवल एडसेंस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो जिस पे आप पब्लिश कर रहे हो वो भी गूगल का खुद का प्रोडक्ट ही है, तो यहाँ पे जो है ये चीजों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद जब आप बिल्कुल अच्छे से एक अच्छी हैंडसम इन अर्निंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जो है आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, खुद के पेड होस्टिंग्स लो, उसके बाद उस पे जो है एसईओ वगैरह करके ट्रैफिक को है वहां पे डाइवर्ट करो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लॉग स्पॉट करते हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज है स्टार्टिंग करने के लिए ब्लॉग स्पॉट। तो वहां पे जाके जो है आप अपना कोई भी करियर जो है ब्लॉगिंग के अंदर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात इनकम की, तो इनकम तो इतनी आती है कि वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज्यादा ट्रैफिक ला पाते हैं। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा एडसेंस जो है आपके एड सर्विस करेगा और उतनी ज्यादा ही आपकी इनकम जनरेट होगी। सो दोस्तों आई होप कि आपको डिटेल समझ में आई होंगी कि किस तरह से जो है आप अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि मैं जो अभी आज डालूं और कल से जो है मेरे पास ट्रैफिक आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसा लगाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि उनके ऊपर जो है पेड बैकलिंक्स वगैरह लेके आते हैं, पेड गेस्ट पोस्टिंग्स वगैरह करते हैं, नो डाउट उस पे जो है ट्रैफिक आता है, लेकिन उस ट्रैफिक के पीछे जो है हमने कुछ पैसा लगाया है। क्योंकि एडसेंस में इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा भी पैसा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे नहीं मिल पाता है कि आप जो है स्टार्टिंग से ही पेड जो आपके ब्लॉग स्पॉट के जितने भी हैं रैंकिंग एसईओ करने के लिए बैकलिंक्स वगैरह पेड करवाओ या फिर गेस्ट पोस्टिंग्स वगैरह पेड करो, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। बहुत सारे फ्री टूल अवेलेबल हैं, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फ्री टूल्स मैंने वहां पे लिस्ट किए हुए हैं, आप वहां पे जाके आर्टिकल्स पढ़िए, पूरा गाइड मैंने किया हुआ है कि आपको किस तरह से जो है पूरे सारी चीजें करनी है, किस तरह से आपको फ्री में कमेंट्स में जो है बैकलिंक्स जनरेट करने हैं, कहाँ किस हिसाब से जो है आप हाई पीआर जो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। करीब 500 वेबसाइट्स दे के रखी है मैंने जहां पे आप सबमिशन कर सकते हो, सर्च इंजिन में किस तरह से आपको अपने सबमिट करनी है यूआरएल्स वगैरह, सारी डिटेल आपको जो वहां पे दे रखी है, आप विजिट कर सकते हैं nirankariinfotech.com पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, विजिट करिए। ये 2-3 आर्टिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप जो है मुझे वहीं पे जो उस आर्टिकल के नीचे अगर जाते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप मुझे पूरा डिटेल बताइए कि आपको क्या समझना है, तो मैं वहीं पे आपको जो है 1-to-1 रिप्लाई करके आपको काफी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहां पे क्लियर कर दूंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोज जो है मैं लेके आ चुका हूँ और आगे भी लेके आते ही रहूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।